वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉस। दिस टॉपिक हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट जनरल इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JKSSB आर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, देन दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन इज एन ऑर्गेनाइजर विल ऑलवेज मेक डैश। सो हेयर द आंसर इज एन ऑर्गेनाइजर विल ऑलवेज मेक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज इनोवेशंस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एन ऑर्गेनाइजर विल ऑलवेज मेक इनोवेशंस, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर डैश फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर डैश फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज फोर। देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज लेबरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर, इन जनरल कैपिटल मीन्स, क्वेश्चन नंबर फोर, इन जनरल कैपिटल मीन्स, हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मनी। इन जनरल कैपिटल मीन्स मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट कैन इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन थ्रो, द गवर्नमेंट कैन इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन थ्रो, हेयर ए इज कंपल्सरी सेविंग्स, बी इज वॉलंटरी सेविंग्स, सी इज हाउस होल्ड सेविंग्स एंड डी इज कॉरपोरेट सेविंग्स। फ्रेंड्स, हेयर द राइट आंसर इज द गवर्नमेंट कैन इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन थ्रो। क्वेश्चन नंबर फाइव का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज कंपल्सरी सेविंग्स। द गवर्नमेंट कैन इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन थ्रो कंपल्सरी सेविंग्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए वर्कर मूव्स फ्रॉम वन टाइप ऑफ वर्क टू अनदर टाइप ऑफ वर्क, हीज स्टेटस इन सोसाइटी इम्प्रूव्स, दिस इज नोन एज। व्हेन ए वर्कर मूव्स फ्रॉम वन टाइप ऑफ वर्क टू अनदर टाइप ऑफ वर्क, हीज स्टेटस इन सोसाइटी इम्प्रूव्स, दिस इज नोन एज। हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सोशल मोबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सोशल मोबिलिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव फैक्टर विदाउट विच प्रोडक्शन कैन नॉट कमेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव फैक्टर विदाउट विच प्रोडक्शन कैन नॉट कमेंस, हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लैंड। ठीक है, लैंड इज अ पैसिव फैक्टर विदाउट विच प्रोडक्शन कैन नॉट कमेंस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फिजिकल लेबर, फिजिकल लेबर की एग्जाम्पल पूछी गई है यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर एट, हेयर द राइट आंसर इज कंस्ट्रक्शन वर्कर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। फिजिकल लेबर का जो एग्जाम्पल पूछा गया है, कंस्ट्रक्शन वर्कर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज इज फिक्स्ड इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज इज फिक्स्ड इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सो हेयर द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर नाइन, हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज इज फिक्स्ड इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो लैंड सप्लाईज इज फिक्स्ड इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्वेश्चन नंबर नाइन का जो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट्स रिवार्ड इक्वल टू, एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट्स रिवार्ड इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर टेन, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्ट। एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट्स रिवार्ड इक्वल टू वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 इज अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन डिमांड फॉर ए फैक्टर इज इट्स, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन डिमांड फॉर ए फैक्टर इज इट्स, हेयर द राइट आंसर इज
option A, that is MRP curb. Under perfect competition, demand for a factor is its MRP curb. Next question is, we should employ units of a factor to a point where. We should employ units of a factor to a point where. Here, the right answer is option B, that is MP is equal to price of the factor. We should employ units of a factor to a point where MP is equal to price of the factor. Next question is, in marginal product of labor, if marginal product of labor rises because of new technology, tab kya hota hai? If marginal product of laborer rises because of new technology, then kya hota hai? Here the right answer is option A, wages will rise. ठीक है, wages will rise. If marginal product of laborer rises because of new technology, wages will rise. Next question is, one of the following is not a assumption of the marginal productivity theory. कौन सा नहीं है? A है यहाँ पे, units of factor are homogeneous. B है mobility of factor. C है low price of factor. D है perfect competition. So guys, here the right answer is option C. That is, one of the following is not a assumption of the marginal productivity theory. Here the right answer is low price of factor is the right answer. Low price of factor is the right answer. Question number 15 is, increasing the minimum wage for worker will. Increasing the minimum wage for worker bill. क्या होगा? Question number 15 and the right answer is option C. Cause a substitution of capital for labourer. Increasing the minimum wage for worker bill cause a substitution of capital for labourer. This is the right answer. Option C. Next question is question number 16. Negative returns in the short run imply that. Negative returns in the short run imply that. Negative returns in the short run imply that. Here the right answer is negative return in the short run imply that. Question number 16 का right answer है option C, that is marginal is negative. Negative marginal is negative is the right answer. यहाँ पे पूछा गया था negative turns in the short run imply that marginal is negative. Next question is question number 17. Economies of scale. Here the right answer is option C, that is economies of scale suggest that the firm's marginal cost curve lies above its average cost curve. ठीक है, question number 18 is, in law of diminishing returns at least one factor. Question number 18 and the right answer is option A, must be constant. In law of diminishing returns, at least one factor must be constant. ये जो law है diminishing returns जो है, इसमें क्या होता है, at least one factor जो है वो constant होना ही चाहिए. ठीक है, next question is, economies of scale are of two kinds. कौन कौन सी kind है? Economies of scale are of two kinds. Here the right answer is question number 19 का जो right answer है वो है आपका option B, internal and external. Economies of scale are of two kinds. Answer is internal and external. Next question is question number 20. Law of return apply to firms working in. Law of return apply to firms working in. Here the right answer is
क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल काइंड्स ऑफ मार्केट सिचुएशंस। लॉ ऑफ रिटर्न अप्लाई टू फर्म्स वर्किंग इन ऑल काइंड्स ऑफ मार्केट सिचुएशंस, दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड डिमिनिशिंग रिटर्न्स मे फॉलो बिकॉज, ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड डिमिनिशिंग रिटर्न्स मे फॉलो बिकॉज, हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज क्वांटिटी ऑफ एनी वन फैक्टर इज फिक्स्ड, क्वांटिटी ऑफ एनी वन फैक्टर इज फिक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए फर्म यूजिंग ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड एंड कैपिटल टेक्स ऑन मोर वर्कर्स, इट फाइंड्स दैट मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी ऑफ लेबर फॉल्स बट द एवरेज प्रोडक्ट एपी ऑफ लेबर राइजेस, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्टर दैट, हेयर द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर, यू नो दिस इज क्वेश्चन नंबर 22 एंड द राइट आंसर इज 22 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज द एडिशनल वर्कर्स आर मोर एफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल 23, हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज टेक्निकल प्रोग्रेस लीड्स टू डिवेलपमेंट ऑफ मशीन्स एट लो प्राइज, वट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हेयर आंसर इज टेक्निकल प्रोग्रेस लीड्स टू डिवेलपमेंट ऑफ मशीन्स एट लो प्राइस, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, The maximum point on TP curve is at quantity of labor where, the maximum point on TP curve is at quantity of labor where, कहाँ पे, here the right answer is option D, that is MRP MPP of labor is zero, MPP of labor is zero। एक बार फिर देखते हैं question, द मैक्सिमम पॉइंट ऑन टी पी कर्ब इज एट क्वान्टिटी ऑफ लेबर, जो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ ऑन टी पी होता है कर्ब पे, टी पी कर्ब पे जो मैक्सिमम पॉइंट होता है इज एट क्वान्टिटी ऑफ लेबर बेयर, कहाँ पे, एम पी पी ऑफ लेबर इज जीरो, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 इज व्हेन ए फर्म यूजिंग ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड एंड कैपिटल takes on more workers, it finds that marginal product MP of laborer falls but the average product AP of labor rises, this can be explained by the factors that, here the right answer is option A, that is MP of labor is greater than AP of labor, the MP of labor is greater than AP of labor। Next question is question number 26, this is last question of today's topic, an economy government constructed a new water reservoir for the purpose of irrigation, this might be taken as an economy government constructed a new water reservoir for the purpose of irrigation, this might be taken as, here the right answer is increase in supply of capital, increase in supply of capital। एक बार फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, an economic government constructed a new water reservoir for the purpose of irrigation, this might be taken as increase in supply of capital। So friends, today we have discussed 26 most important questions of this topic, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल
एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट आवर लेटेस्ट वीडियोज. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स. प्रिपेयर बेल फॉर्म बेल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.